Human male reproductive system. First, the contents, function of male reproductive system, components of human male reproductive system, and the structure of male reproductive system. First, the function of male reproductive system. Students, male reproductive system is basically for the purpose of production of sperms. अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स बेसिकली ऐसे सिस्टम्स हैं जो दे आर प्रोड्यूस गैमीट दे आर प्रोड्यूसिंग द गैमीट्स गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं और ये फिर आगे फर्टिलाइजेशन के बाद जयगोड बनाएंगे और आगे नया नया इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस होगा तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं बेसिकली बॉडी के वो पार्ट्स हैं जो दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स मेनली गैमीट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है सो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो इसके दो बेसिक फंक्शंस हैं नंबर वन द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमिट्स दैट आज द स्पर्म्स मेल गैमिट्स इन स्पर्म्स को प्रोड्यूस करवाना एंड सेकेंड वन द ट्रांसफर ऑफ दीज गैमिट्स टू द फीमेल गैनिटील या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इनको ट्रांसपोर्ट करवाना दे आर द टू बेसिक जॉब्स सो इफ यू टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिपोर्डक्टिव सिस्टम के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पर्म की प्रोडक्शन में स्पर्म को अलाइव रखने में मोटाइल करने में स्पर्म्स को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करने में और उसके बाद स्पर्म के ट्रांसफर में इन्वॉल्व हैं अगर हम इनको देखें तो स्पर्म सबसे पहले जो इसमें जो इनिशियल पार्ट है जिसको हम स्क्रोटम सक्रोटम बेसिकली ये वो पार्ट है जिसके अंदर टेस्टिस जो है वो मौजूद होते हैं यस लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बॉडी से बाहर हैंग आउट कर रहा होता है देन द टेस्टिस टेस्टिस से आगे फिर इसके टेस्टी के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो टेस्टी के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास सेमिनी फेरस्टिब्यूल्स आ जाएंगी देन एपिडाडामिस आ जाएगा एपीडाडेमिस और सेमिनी फेरस्टिब्यूल्स के दरियान रेटी टेस्टिस एक नेटवर्क है देन डक डेफ्रेंट्स है जो टेस्टी से बाहर निकल कर आगे बॉडी कैविटी में जा रही होती है देन एम्प्यूला वो पोर्शन है जो आगे थोड़ा सा इनलार्ज हो रहा है और इसके बाद साथ उसके जो है वो कुछ ग्लैंड्स आ जाएंगे हमारे पास दैट इज द सेमिनल वेजिकल है ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सिक्रीशन जो है वो निकलेंगे देन दे आर द एजैकुलेट्री डक्ट वो पोर्शन जहाँ से स्पर्म्स जो है उसको बॉडी से आगे जो है वो फर्दर एजैकुलेशन होगी या इसको आगे बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा देन देर दर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड इट आल्सो प्रोवाइडिंग सम सम्रीशन स्पेशली जो प्रोस्टा जो इसके जो सिक्रीशंस हैं वो हमारे पास जो है वो लुब्रिकेशन का, का काम करते हैं या कह सकते हैं कि लिक्विड बेस्ड जो है सिक्रिशंस के अंदर मौजूद है ज्यादा दैन देयर इज बल्बो यूरिथलर ग्रेंड और इसके बाद द लास्ट वन इज द पीनस पीनस के अंदर जो है वो एक्चुअल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड द यूरिथ्रा दैट इज एक्चुअली द लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर स्पर्म्स आर मूविंग सो अगर हम इन तमाम स्ट्रक्चर्स को डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो इसमें हमारे पास द फर्स्ट वन स्क्रोटम सक्रोटम बेसिकली वो सैकलाइक स्ट्रक्चर -like है जिसके अंदर जो है वो टेस्टीज हैंग पेयर ऑफ टेस्टीज जो हो है मौजूद होते हैं हैंग आउट कर रहे होते हैं जस्ट क्या है कि एक यानी कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है थैलिन वास स्ट्रक्चर जो हाँ है मौजूद है हमारे टेस्टिस टेस्टिस वो हैं जो कि बेसिकली वो स्ट्रक्चर है विच आर मेनली इन्वॉल्व इन द स्पर्म प्रोडक्शन यहाँ स्पर्म जिसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस के अंदर सेमिनिफायरस ट्यूल्स होती हैं जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करवाती हैं देन टेस्टिस के ऊपर अगर हम देखें तो हमें एक डायलेटेड ट्यूब नजर आ रही है दैट इज द एपीडाइडेमिस टेस्टिस से अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें टेस्टिस से जो स्पर्म्स होते हैं वो बेसिकली एपिडेडमस में आते हैं यहाँ कुछ टाइम के लिए स्पर्म स्टोर होते हैं फिर इसके बाद यहाँ से जब इसकी मस्कुलर कंट्रेक्शन की वजह से एपीडाडमस से द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द डेफरेंस डक डेफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ से बाकायदा बॉडी वाल के अंदर एंटर हो रही है और यही वो पोजिशन है जहाँ से अगर कभी ये यहाँ से जो है वो बॉडी कैविटी थोड़ी लूज़ हो जाए तो फिर यहाँ हारनीशन की प्रॉब्लम हो सकती है यानी कि जो मेल्स के अंदर अक्सर हार्नेशन की प्रॉब्लम होती है बेसिकली यही वो पोजिशन है जहाँ डक डेफरेंस बॉडी वाल के अंदर जब एंटर हो रही है तो बॉडी वाल के अंदर सम टाइम क्या होता है कि एक होल या अपीय होता है या वीक एक यानी कि डायलेशन बन जाती है, है जिससे बॉडी के इंटरनल पार्ट जो होता है वो बाहर आने की कोशिश करते हैं द नेक्स्ट वन डक डेफरेंस के बाद डक डेफरेंस का एंड अगला सिरा आगे जाकर हमारे पास एक थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा इसका जो है वो सवालन पोर्शन आ जाता है दिस वालन पोर्शन जो है इसको एम्पूला कहते हैं एम्पूला वो पोजिशन है जहाँ आकर मैच्योर स्पर्म्स जहाँ वो स्टोर किए जाते हैं जब तक इन जैकुलेशन नहीं होनी एम्पोला के अंदर स्पर्म्स क्या रहते हैं स्टोर रहते हैं देन देर is द सेमिनल वेजिकल सेमिनल वेजिकल एम्पूला के बिल्कुल पैरल एम्प्योर वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके आमतौर तो पर है, जो है फ्लूड स्क्रीशन होती हैं जो जो है स्पर्म्स के साथ मिलकर इसको जो है वो एक्टिव रखेंगे और इसके अलावा जो है वो पी को भी मेनटेन करेंगे अगर हम इससे थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये दोनों एम्पूला और सेमिनल वेजिकल मिलकर आगे आके एजैकुलेट्री डक्ट बना रहे हैं एजैक्युलेट्री डक्ट जब प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली जो डक्ट है इससे मिलती है तो हमारे पास क्या बन जाएगी और इसके साथ साथ बल्बो यूरिथल ग्लैंड जो है ये तीनों ग्लैंड जो है तीनों डिफरेंट पार्ट्स जब आगे आकर मर्ज करेंगे तो फिर हमारे पास इसको हम क्या नाम देंगे इट विल बी द यूरिथ्रा अच्छा यहाँ थोड़ा सा हमने देखा है कि जब एम्पूला और सेमिनल वेजिकल कंबाइन हो रहे तो ये इजैकुलेटरी डक्ट कहलाएगी और जब बाकी चीज़ें भी इसके साथ मर्ज कर जाएंगे तो अब इस ट्यूब को हम क्या कहेंगे इट इज़ दूरीथ्रा और यूथ्रा बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पीनस के अंदर से पास आने हो रही है अरे पीनस में इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ज़्यादा इरेक्टर मसल्स हैं जो इरेक्ट्रिक मसल जो होते हैं ये बेसिकली मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इरेक्शन का बायस बनते हैं